नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे BAMS, BHMS, BUMS, BSLP और BNYAS में कौन सा कोर्स आपके लिए बेहतर हो सकता है। अगर आपके अंक कम आ रहे हैं तो इनमें से कौन सा कोर्स चुनना सही रहेगा, आइए जानते हैं। हेलो नमस्कार, मैं हूं आयुष और स्वागत है आपका बेस्ट ट्रैक फेयर के यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आयुष कोर्सेज का मतलब होता है जितने भी आपके आयुर्वेदिक या फिर प्राकृतिक चीज़ों से संबंधित मेडिकल कोर्सेज, जैसे कि नेचुरोपैथी, सिद्धा मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन और उन्यानी मेडिसिन आते हैं। ये सभी प्राकृतिक तरीके से बीमारियों का इलाज करते हैं। दूसरी तरफ है एलोपैथी कोर्सेज, जैसे कि MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी होते हैं, जिनके लिए आपको अधिक अंक लाने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर आप इन सभी मेडिकल कोर्सेज और पारा मेडिकल कोर्सेज के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इन सभी का वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से वीडियो को देख सकते हैं। सबसे अच्छा आयुष कोर्स कौन सा है? सबसे पहले आयुष कोर्सेज में सबसे अच्छा कोर्स BAMS, अगर आपको BAMS मिल रहा है तो यह सबसे अच्छा विकल्प है। आयुर्वेदा की चीज़ें इसमें पढ़ाई जाती है और इसका काफ़ी स्कोप है। BAMS कोर्स पूरे भारत में एक्सपर्टेड और इसमें आप कहीं भी अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, प्लस इसमें सर्जरी करने की भी अनुमति होती है, बिल्कुल MBBS स्टूडेंट्स की तरह। BAMS के लिए आपको सामान्य कैटेगरी में कम से कम 550 अंक चाहिए होते हैं, इसलिए 540 अंक पर भी आप ट्राई कर सकते हैं। SC ST कैटेगरी के लिए 480 से 500 अंक चाहिए होते हैं। OBC और EWS के लिए आपको 530 अंक चाहिए होते हैं। BAMS के लिए ही आप BAMS कोर्स करने के बाद आप आयुर्वेद डॉक्टर बन सकते हैं, साथ में आप इसकी मेडिकल क्लिनिक खोल सकते हैं। आप विभिन्न प्रकार की सर्जरी करने के लिए अनुमति आपको दी जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टर बनकर आप केवल न दवाइयों से बल्कि आप आयुर्वेदिक तरीके से जांच पड़ताल कर सकते हैं, कह सकते हैं कि पंचकर्मा औषधि और अन्य प्राकृतिक विधियों से भी आप मरीजों की इलाज कर सकते हैं। भारत में विभिन्न हिस्साओं में आयुर्वेदिक चिकित्सा की मांग लगातार बढ़ रही है, जिससे BAMS स्नातकों के लिए कैरियर में अनेक सारे संभावनाएं हैं। अब जानते हैं BUMS। BAMS के बाद दूसरा जो अच्छा विकल्प है वो है BUMS। BUMS मतलब बैचलर ऑफ उन्यानी मेडिसिन एंड सर्जरी, खासकर मुस्लिम बच्चों के लिए यह बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसमें भी आपको सर्जरी के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होती है, लेकिन सर्जरी की कैटेगरी BAMS में थोड़ा कम होता है। इसमें थोड़ी सी उर्दू आनी चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम स्टूडेंट के लिए ये काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि उनको उर्दू जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट का पकड़ अच्छा होता है। इसमें अंक आपको 300 से 400 आए हैं तो आपको ये कोर्स जो है वो मिल सकता है। BAMS करने के बाद आपकी उन्यानी डॉक्टर बन सकते हैं और सर्जरी करने के लिए एलिजिबिलिटी हो जाते हैं। उन्यानी चिकित्सा प्रणाली में विभिन्न प्रकार की चिकित्सा पद्धति शामिल होती है, जो कि हर्बल और प्राकृतिक दवाइयों द्वारा माध्यम होती है, बीमारियों की इलाज करती है और खास करके मुस्लिम समुदाय भी BAMS की काफ़ी मांग होती है। यह कोर्सेज उनके लिए उचित चिकित्सा सेवा प्रदान करने की सहायक होती है। अगर BAMS या BUMS नहीं मिल रहा है तो अगला विकल्प होम्योपैथी BHMS या सिद्धा मेडिसिन BSMS हो सकता है। BHMS का मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी होता है और BSMS का मतलब है बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। BSMS साउथ इंडिया के बच्चों के लिए बेहतर माना जाता है, वही ज़्यादातर जो स्टूडेंट है BHMS वाले वो नॉर्थ इंडिया वाले जो है स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अंक की बात करें तो इसमें कट ऑफ जो है वो 400 नंबर के आसपास होता है। BSMS का जो कोर्स है वो साउथ इंडिया ज़्यादातर जैसे कि केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और तेलंगाना जैसे राज्यों में BSMS की ज़्यादा मांग है। वही BSMS की बात कर ले तो आपकी जो है दूसरी तरफ नॉर्थ इंडिया में BHMS कोर्स की ज़्यादा वैल्यू है। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में बीमारियों का इलाज होम्योपैथी दवाइयों के माध्यम से किया जाता है, जो कि प्राकृतिक रूप से तैयार की जाती है। होम्योपैथिक डॉक्टर की मांग पूरे देश में लगातार बढ़ रही है और BHMS कोर्स करने वाले जो विभिन्न प्रकार के होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति विशेषज्ञ हासिल कर सकते हैं। अगर BHMS भी नहीं मिल रहा है तो BNYAS कोर्स जो है एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसमें कम कट ऑफ वाले एडमिशन मिल सकता है और फीस भी इसकी कम रहती है। BNYAS करने के बाद आप न्यूरोपैथी और योग के माध्यम से इलाज कर सकते हैं। अगर आपके अंक 300 से लेकर 350 के बीच में हैं तो BNYAS कोर्स में एडमिशन के लिए आप निश्चित ही जाएँ।
न्यूरोपैथी और योग विज्ञान की प्राकृतिक विधियों के माध्यम से ही बीमारियों का इलाज किया जाता है। यह चिकित्सा प्रणाली में केवल रोगों को इलाज करने के लिए ही नहीं बल्कि रोगों का रोकथाम करने के लिए एक स्वास्थ्य सार्वजनिक भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। BNYS कोर्स के स्नातकों के लिए न केवल आप भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय में भी इसका अवसर काफ़ी है। BASLP, अगर आपकी नंबर और भी कम आए हैं तो आपके पास एक और विकल्प है BASLP, जो कि आप इस कोर्स को कर सकते हैं, जिसमें स्पीच एंड हियरिंग से रिलेटेड कोर्स होता है। उसमें सब्जेक्ट्स जो है वो हियरिंग और लिसनिंग और स्पीच से रिलेटेड इसमें होता है, जैसे कि ऑडियोलॉजिस्ट और स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट बन सकते हैं। यह कोर्स उन बच्चों के लिए है जो कि बड़े लोगों के सुनने में मदद करते हैं, जो उनकी दिक्कत महसूस होती है, जो सुन नहीं पाते हैं, उनके लिए जो है ये कोर्स बहुत लाभदायक होता है। इसमें एक किट आता है जो आपको पता हुआ, एक हियरिंग एड आती है। इसके अलावा बहुत सारे जो है सर्जरी वगैरह भी होती है। अस्पताल और क्लिनिक में जो है इसकी डिमांड काफ़ी सारी होती है। इसमें विशेष शिक्षक संस्थान में भी इस कोर्स का जो मतलब जो ग्रेजुएट होते हैं उनकी मांग जो होती है। अब आता है पैरामेडिकल कोर्सेज। अगर आपके नंबर बहुत ही कम आ रहे हैं तो आप पैरामेडिकल कोर्सेज में जा सकते हैं। मेडिकल कॉलेज नीट में इस कोर्स आप पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए मान्य है, जबकि पैरामेडिकल कोर्सेज में आप टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन आदि बन सकते हैं। अगर आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे जो है इसमें कैरियर ऑप्शंस हैं। रेडियोलॉजिस्ट की बात करें तो अगर आपने CT स्कैन, MRI वगैरह करवाया है, एक्सरे वगैरह, तो वहाँ पर रेडियोलॉजिस्ट ही शामिल होते हैं, वही एक डॉक्टर भी होते हैं। इसको इमरजेंसी में जो है उनको सेवा देना होता है, क्योंकि इनकी जो ट्रीटमेंट है, लेबोरेटरी है, ये अलग अलग अपना खोल सकते हैं। तो इसमें जो है अगर सैलरी या फिर इनकम की बात कर ली तो इसमें अच्छी खासी इसमें इनकम भी होती है। अगर आपको कोई अन्य सवाल है या फिर कोई अभी तक दिक्कत आ रहा है किसी कोर्स में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर किसी अन्य चिकित्सा से रिलेटेड, आप मेडिकल कोर्सेज से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, या फिर आप इंस्टाग्राम से जुड़ के वहाँ भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।